अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोग ठीक ठाक होगे, खैरियत से होगे, खुश होगे। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि तुम लोगों को मेरे भाई की एक वीडियो में याद ही होगा कि हमारी जो बेल्टा गाड़ी है पीछे से फुल ठोक चुकी है। अभी मैं घर आया हूँ और हमारी जो है ना गाड़ी पिसी हुई है, लेकिन आज हमारी गाड़ी आ चुकी है वापस ठीक होकर। पीछे से बम्पर वगैरह तुम लोगों को दिखा दूँ, कोई स्क्रैच भी नहीं है इसके ऊपर। साथ में मैं तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा इस गाड़ी का इंटीरियर भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं तुम लोग को इंटीरियर दिखाऊं, फुली कस्टमाइज रोल्स रॉयस फैंटम इंटीरियर है इसके अंदर। अच्छा, साथ में यहाँ पे टेस्ला स्क्रीन भी लगी हुई है। इस स्क्रीन में नेविगेशन, 3D साउंड वगैरह सब चलता है। चल झूठा। इस स्क्रीन के अंदर तुम लोगों को डोरेमोन भी 4K में देखने को मिलेगा। सीट्स में तुम लोगों को इसमें हीटेड सीट्स, मसाज सीट्स सब मिल जाएगा। बंदे का पुत्र बनो। चलो यार थोड़ी लंबी होगी, व्लॉग तो शुरू करें। खैर सबसे पहले हमारा सीन ये है कि हमने आज शाम को जाना है मॉल, तो मैं तुम लोगों को फिर डायरेक्ट वहीं पे मिलता हूँ। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो क्या स्लो किस्म की ट्रैफिक है। या तो पता नहीं सारे लस्सी पी के निकले घर से। हम लोग मॉल के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग रात चप्पल तो पॉलिश कर लें थोड़ी सी। ये ब्लू कलर की शॉर्ट मीन्स जो है ये थोड़ी सी पसंद आई है, इसको अभी जरा ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग। तो वैसे ठीक लग रहा है, इसको बाबा को भी दिखा लेते हैं कि कैसा है। बाबा ये सूट ट्राई किया और पसंद भी आया, ये बताए कैसे? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इसको कर लेते हैं फिर डन। डन कर दो। ये सूट होने वाला है हमारा डन। शॉपिंग वॉपिंग बहुत हो गई है, अब हम लोग कुछ खाने के लिए चलते हैं, कोई स्नैक्स वगैरह छोटे मोटे। मेरा इस वक्त तवा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है। जिन लोगों को नहीं पता ये आइसक्रीम बनती भी तवे पे ही है, इतना ठंडा तवा होता है, उसके ऊपर दूध डालो जो मर्जी डालो अंदर आइसक्रीम बन जाती है। मैं तो ये न्यूटेला किटकैट कर लूंगा। इसके अब बनेंगे रोल। कैसी है? बहुत ठंडी आइसक्रीम है, ठंडी ही होगी। अच्छा, तुम लोगों को पता ही होगा हमारे भाई ने बकरा लिया था, बहुत ही क्यूट किस्म का बकरा लिया था उसने। आज बेचारे का आखिरी दिन है क्योंकि कल है ईद। हाँ हाँ मुझे पता है, ईद बहुत पहले की गुजर चुकी है, स्कूल का समर होमवर्क मिला हुआ था और भी काम वगैरह होते हैं, समझा करो। आज का जितना भी हमारा टाइम होगा ना, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बकरे के साथ गुजारे, बाइट सैर वैर करवा के ले आते हैं, जरा खुश हो जाएगा। तो लेके आए बाइट सैर करवाने के लिए, ये पता नहीं मैं तो दूर की बात, ये मुझे खींच के लेके जा रहे हैं। जहाँ भी जाता है इसको जाने देते हैं, घूमता रहे बस आराम से। और ये पौधे नहीं खाने, अबे ये नहीं खाने, उधर आ जा हमारे घर आ जा। अबे यार इसे भी बांध ही देते, ये नहीं हमारे काबू आ रहा। ओए ओए क्या हो गया, टक्कर मारी जा रहा है भाई। मैं इसको यहाँ सोसाइटी में घुमाने लेके आया हूँ, ऐसा लग रहा है ये मुझे घुमा रहा है इधर उधर। चलो प्यार दे देते हैं यार इसको थोड़ा सा बेचारा। कावासाकी निंजा H2R लॉन्च कंट्रोल एनेबल। अभी मैं जाने लगा हूँ सोने, कल ईद की नमाज भी पढ़ने जाने आपके भाई ने। छुपकली सोफे के ऊपर छुपकली। मार दे इसको। 6.5 hours later। तो यार हम लोग बरीद की नमाज के लिए पहुंच चुके हैं, मैं तुम लोगों को मिलूंगा नमाज के बाद। नमाज के बाद फौरन मिलके शुगर लगाते हैं फिर। पहली तकबीर के बाद आपने हाथ कानून तक उठाकर छोड़ देना है। ये है कुछ गोश्त वगैरह जो हमने गाँव में जो है तकसीम करना है। वैसे हम इसको कहाँ में तकसीम करेंगे और कैसे करेंगे? ये ऐसे होते बेटे, सारा गोश्त हम मिक्स करते हैं, एक हिस्सा हम गरीबों में तकसीम करेंगे और एक हिस्सा जिनकी कुर्बानी नहीं हुई हुई रिलेटिव उनको दे देंगे। हम लोग पहुंच गए हैं, फटाफट से शॉपर निकालें गोश्त का। दो बड़े एक छोटा, ठीक है? एक बच्ची इतने रिंदी उन्हें दे दो। चलो मेहरबानी। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मेहरबानी। अल्लाह ताला तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। हाँ। अल्लाह तेनु इन्ना दे दे। बस मेहरबानी, जज़ाकअल्लाह, दुआ करना। हम लोग निकल चुके हैं गाड़ी से। यहाँ तुम लोग रास्ता देख सक रहे हो, फुल अंधेरा हुआ पड़े पूरी गली में, बिल्कुल मोटरवे जैसी सड़क बनी हुई है। ये क्या कोक कॉलोनी, इधर भी कारोबार शुरू कर दिया, समझ रहे हो? ये गलियाँ देख सक रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुर्की में आ गया। ये बकरा, ये लो याद के लिए, ये लो याद भी रख लो। तो गोश्त वगैरह जितना भी था वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाय द वे मैं तुम लोगों को बताता चलूं, ये वो साथ भाई के बकरे वाला गोश्त नहीं था, ये था गाय का। हम लोगों ने गाय में भी हिस्सा रखवाया था तो वो उसका गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो इस वक्त जो है मेरी मामा ने डेजर्ट बनाया था, जिसका वो कह रही थी कि ऊपर जितनी भी टॉपिंग वगैरह ना वो आप खुद कर लो। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड है, इसके ऊपर ये केक डाला है और इसके नीचे अगर मैं दिखाऊँ तो भी यहाँ पे केक है, नीचे भी केक डाल के ऊपर इसके वो डाल दिया सारा कस्टर्ड। अब हम लोग डाल देंगे इसके अंदर मैंगोस। मुझे जो है ना जरा भी आइडिया नहीं है कि इन चीज़ों के ऊपर क्या क्या डालना होता है, मैं तो अपने से डाली जा रहा हूँ। अगर मामा बिजी ना होती तो फिर मामा खुद ही डाल देती। तो मैंगो शेंगो भी डाल दिए, इसको दोबारा से ऊपर सारा का सारा कवर कर देंगे। अब फाइनल टच देंगे इसके ऊपर, ये बिस्किट जो है ना इसको हम लोग डाल देंगे। इसको कर लेते हैं क्रश, बस ये हम खुद खा लेते हैं।
तो कस्टर्ड तैयार हो चुका है, तो मामा देख के खुशी हो जाएंगी मैं कहता हूँ। मामा को दिखाते हैं इसको, लगता है मामा आ गई। हाँ बन गया। हाँ ये देखें, जबरदस्त बन गया, ठीक बन गया ना, सो ब्यूटीफुल डिजाइन। मैंने पूरी 2 महीने तो सिर्फ रिसर्च मारी है इसके ऊपर, बनाना कैसे है। अच्छा तो सीन ये है कि मेरे मामू की है कल फ्लाइट, उनका जो बेटा है मतलब मेरा कजन, उसके लिए हम लोग अच्छा सा कोई गिफ्ट वगैरह लेते हैं, उसको सॉकर वगैरह पसंद है तो कोई फुटबॉल वगैरह देखेंगे, तो निकलते हैं फिर। हम लोग पहुंच चुके हैं स्पोर्ट्स की शॉप पे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है, यू कैसे हैं? मैं बिल्कुल फिट फाट, आप सुनाओ? सब बढ़िया, मस्त फिट, एकदम बढ़िया। अच्छा कजन के लिए चाहिए थी फुटबॉल, मिल जाएगी? अच्छी क्या चीज थी? अच्छी क्वालिटी की हो, फुटबॉल मिल जाएगी साथ में। तुम लोग देख सकते हो शूज वगैरह भी लगे हैं, शूज भी ले लेते हैं हम लोग अच्छे से, जूते पहले ले लेते हैं ना। ये चेक करें, ये ग्रिपर में मिल जाएगा, ऑरेंज है और लाइट ग्रे कलर, इसमें मुझे तो वो वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला। अच्छा इसमें साइज एक ही है? साइज तो अभी जो है ना इनके पास शूज का साइज वगैरह जो है थोड़ा मिसिंग है इनके पास, जो आ जाएगा कल, हम लोग कल दोबारा चक्कर लगाएंगे, फुटबॉल वगैरह वो सारा कल ही पकड़ लेंगे। चलें भाई फिर कल चक्कर लगाते हैं आपसे, ठीक है? हमें सामान वगैरह तो कुछ मिला ही नहीं, हम लोग गाड़ी निकाल के आए हैं घर से पूरी मेहनत करके, तो हम लोग कुछ खाए बगैर घर तो नहीं जाने वाले, कोई अच्छी सी जगह चलते खाने पीने के लिए। एक आप नग रैप कर दें और एक आप बेशी बर्गर कर दें, इनके साथ आप सिर्फ ड्रिंक कर दें। डक्की भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? डक्की भाई यार सोया पर है जिंदा लाश की तरह बिल्कुल। शुक्रिया। और आप सुनाओ ठीक हो? मजेदार नजर आए। तो अभी मुझे स्पोर्ट्स शॉप वाले की कॉल आई है कि जो जूते के जो साइज है वो सब अवेलेबल हो चुके हैं, तो आके ले लो। तो फटाफट से हम लोग निकलते हैं क्योंकि आज रात को मेरे मामू की फ्लाइट भी है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो दोबारा पहुंच चुके हैं हम लोग, और वो स्टड्स का जो भी साइज है वो दिखाना है। स्टड्स बहुत छोटा, ये 8 है? नहीं 8 नहीं है, ये 6-7 होगा तकरीबन। ये 40 में मिल जाएगा ना? हाँ ये 40 में मिल जाएगा। जो उसकी ट्रेनिंग के हैं वो तो शायद होंगे उसके पास ना, ये 40 में। और जो ये दूसरे हैं ना, ये सड़क पे भी गैराज में फ्री स्टाइलिंग वो सारे चल जाएंगे। इसमें और कौन सा कलर है? मैंने आपसे ब्लू यही वाले लिए थे, ब्लू वाले में अभी साइज नहीं पड़ा, वो खत्म है अभी फिलहाल। मेरे ख्याल में 40 में अभी फिलहाल यही साइज पड़ा हो। कौन से? ये वाले डन किए? ये वाले और फुटबॉल, ये वाला। तो ये जो है एक फुटबॉल और ये जूते जो हैं दोनों डन हो गए हैं। एक लेवल की शर्ट भी डन हो चुकी है हमारी। या इसकी वो जो निकरे शिकरे होती हैं वो कहाँ हैं? अच्छा ये है। या ये इसमें तो थोड़ा वो कलर शलर नहीं आया पिंक कलर का, ये क्या है? ये मेरे खास से इसके अंदर पड़ा रहा है तो इसकी वजह से आया है। हाँ जब ये पैकिंग में आता है ना तो इसके अंदर एक गत्ता होता है, तो काफी टाइम पड़ा रहने की वजह से वो गीला हो जाता है। चलो सही है, ये सब चीजें हमारी डन हो चुकी हैं, फुटबॉल जूते और ये शर्ट्स वर्ट्स यही है ना चीजें सारी। हाँ, ओके। फुटबॉल से हवा जो है सारी की सारी निकाली जा रही है, इसे पुश करके लेके जाएंगे ताकि वो बैग के अंदर जो है ना सही तरह पैक हो जाए। इनकी पेमेंट होगी? जी। चलो सही है। सामान वगैरह डिग्गी में रख दिया, गर्मी बहुत है यार, इस साथ की वीडियो लगा ले। बोतल साफ है पानी की? साथ ने पिया था पानी उसमें से। ओ भाई फिर तो नहीं कोई भरोसा मुझे, जरूरी नहीं है पानी सिर्फ पिया ही हो। यार अभी मैं घर वापस लौटा हूँ, मुझे ना साथ के व्लॉग की आवाज आ रही, लगता है कोई टीवी पे लगा के देख रहे हैं। मैं देखूं तो सही, देख कौन रहे? अच्छा देख रही अम्मा। कैसे हैं साथ के व्लॉग्स? मजेदार। अच्छा हाँ मुझे याद है, मैं आपको इस व्लॉग में एक चीज दिखाता हूँ। अच्छा मुझे देखने तो दो ना। नहीं नहीं आपको आप बाद में दिखाना ना मुझे, बस एक चीज दिखानी है आपको, एक चीज दिखानी है, ये देखना, ये देखे, ये क्या? मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी की स्पीड। नहीं नहीं 120 120 नहीं, मैं आपको असल स्पीड दिखाता हूँ, ये देखे 120 140 160 और 180 में चला रहा है ये। अल्लाह माफी भाई, वाकई 180 की स्पीड से ना इसकी चित्रोल आने वाली है। ट्रैफिक पुलिस की पूरी आर्मी लग गई होनी है इसके पीछे। अभी इसमें मेरे ख्याल से एक दो दिन बाद घर आने आ जाए, सही जरा आए तो सही जरा, इसको देखती हूँ, उसको मैं पूछती हूँ। ओके गाइस यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करता हूँ, उम्मीद है कि तुम लोग को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। बाकी मुझे पता है कि इस वीडियो में जितना भी ईद का पार्ट है वो सब बहुत लेट आया, तो यार देखो मैं थोड़ा बहुत बिजी भी हो गया था और रिलेटिव्स में डेथ भी हो गई थी एक, लेकिन ये भी तो देखो ना मैंने 10 मिनट के व्लॉग के अंदर ही इतना कुछ ऐड किया है। लाइक करना तो बनता है यार तुम लोग का। और हाँ 180 की स्पीड से तुम लोग सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी ठोक देना। और हाँ बहुत से लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी नहीं किया, फॉलो शॉलो मार दिया करो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होगा, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।